अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज मैंने बनाई है जलेबी, और देखिए कैसे बनती है ये जलेबी और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसके लिए मेरी ये पूरी वीडियो देखें और ये मैं आपको खाकर दिखा रही हूँ। बहुत क्रंची और बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है जलेबी। और मेरी रेसिपी देखने के लिए आपको मेरे साथ पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी रेसिपी। अब मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, यही वाला मैंने कप, अगर आपके पास नॉर्मल घर के कप में भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसा उसके मतलब उसके मुताबिक होना चाहिए 1.5 कप ले लें। और मैंने अब डाला है 1/2 कप दही। मेरे पास 2-3 दिन का रखा हुआ खट्टा दही था, और दही आपने खट्टा ही लेना है, मीठा दही नहीं होना चाहिए। और अब मैं डाल रही हूँ देसी घी। देसी घी के 2 टेबलस्पून मैं देसी घी डालूंगी। अगर आप चाहें तो डालडा घी भी डाल सकते हैं, पर कुकिंग ऑयल आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, घी लेंगे आप। मेरे पास देसी घी था तो मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब। और अब मैं इन सारे पूरे बैटर को पूरे अच्छे से विस्क की मदद से पहले मिक्स करूँगी, और फिर जितना पानी हमें चाहिए होगा हम उतना पानी से अच्छे से मिक्स करके अपना बैटर अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। इंतहाई आसान और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, झटपट बैटर बनाएं और अच्छे से और फट से अपनी जलेबी 10 से 15 मिनट रखें बैटर को, और फौरन से अपनी जलेबी बनाएं। और मैं पानी ले रही हूँ, मेरा 1/2 कप पानी जा रहा है, तो अच्छे से बस आपने देखना है कि पानी ज़्यादा नहीं जाए पानी को डालते हुए, कि अच्छा सा बैटर बन जाए। और आपने इतना मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है, कि अगर आपके पास बीटर है तो बीटर भी घर से भी कर सकते हैं। अब देख सकते हैं मेरा कितना सा मूस सा बैटर तैयार हो चुका है, और आप अच्छे से मिक्स किया है मैंने। और आपने अगर उठाना है बैटर को, जैसे विस्क से उठाएंगे तो आपका बैटर एक जैसा नीचे गिरे, तो समझ लिए कि आपका बैटर बिल्कुल रेडी है। और इस बैटर को मैं 5 से 6 मिनट के लिए रख दूंगी। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल एक जैसा आ रहा है, तो आप बस अब इसे ढक के कवर करके रख देंगे, थोड़ा तो फूल जाए मैदा, और उतनी देर हम अपना शीरा तैयार कर लेंगे। अब हमने शीरे के लिए एक सॉस पैन ले लिया है, उसमें मैंने 2 कप चीनी डाली है, और 2 कप चीनी डाली है तो 1.5 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और मैंने 2 से 3 हरी इलायची, छोटी इलायची जो भी कह लें, वो खोल कर डाल दी है, और ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी ताकि चीनी नीचे बैठे नहीं, और शीरा हमने इतना पकाना है कि हमारा शीरा चिपचिपाहट वाला शीरा तैयार हो जाए, जिसमें तार बनना स्टार्ट हो जाए एक, लेकिन चिपचिपाहट हो। और अब देख सकते हैं कि हमारा शीरा पक रहा है अच्छे से। और अब मैं इसमें 1/2 नींबू ऐड कर रही हूँ। ये नींबू का फ़ायदा ये है कि शीरा सही रहेगा, जमेगा नहीं, नहीं तो क्रिस्टल बन जाएंगे। अब मैंने बैटर हमारा 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। ध्यान रखेंगे, बेकिंग पाउडर तब डालेंगे जब आपको जलेबी फ्राई करनी है फौरन, तभी आपने बेकिंग पाउडर डालना है, उससे पहले नहीं डालेगा, नहीं तो आपका बैटर ख़राब हो जाएगा। तो अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है बेकिंग पाउडर, तो अब मैं अच्छे से अपने बैटर में मिक्स कर रही हूँ चम्मच की मदद से। और मेरे पास रखी हुई थी केचप की बोतल, उसके अंदर मैं डाल दूँगी। आप चाहे तो एक किसी शॉपर की मदद से भी ले सकते, कोई थैली ले लीजिएगा या कुछ भी आपके पास, अगर आइसिंग बैग है तो आइसिंग बैग ले लेंगे। मेरे पास ये रखा हुआ था, ये बोतल रखी हुई थी, तो मैं ये बोतल ले लूँगी और इसके अंदर अपना बैटर डाल लूँगी।
आप देख सकते हैं मेरा बैटर कितना स्मूथ सा रेडी हुआ है और झटपट बन जाने वाली ये जलेबी है। और इधर मैंने अपने पैन में ऑयल गरम कर लिया है, ऑयल ले लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपनी जलेबी। आप देख और आपने ध्यान रखना है ऑयल ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल आंच में होना चाहिए। अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी जलेबी का बैटर जो फ़ौरन जल जाएगा और बैटर अंदर से कच्चा रहेगा। तो जैसे ही तेल में जलेबी ऊपर आ जाए, बैटर मतलब बन के ऊपर फूल जाए, तो फिर आपने इसको पलटना है। उससे पहले आपको पलटना भी नहीं है वरना बैटर गीला है तो जलेबी की शेप ख़राब हो जाएगी। और आप देख सकते हैं मेरी जलेबी ऊपर फूल के आ गई है, तो मैं इसे चिमटे की मदद से पलट रही हूँ और बहुत मज़े से। और इसे कड़क करनी है, बिल्कुल कड़क की तरह करेंगे तो आपकी जलेबी में कड़कपन आएगा। अगर आपने सॉफ्टनेस रखी तो शीरे में जाके और जलेबी सॉफ्ट होगी और क्रंची नहीं बनेगी, तो इस बात का ख्याल रखेगा। अब मैं शीरे में अपना जो शीरा पकाया हुआ था मैं उसके अंदर डाल ली हूँ अपनी जलेबी को। और इसी तरह मैं अपनी सारी जलेबियाँ रेडी कर लूँगी, देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और मुझे अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए ज़रूर देंगे कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अगर आपको कोई ख्वाहिश हो तो वो भी आप कह सकते हैं कमेंट के ज़रिए। मैं इसी तरह यही प्रोसेस करूँगी, जलेबी को शीरे में डिप करूँगी अब, और डिप करने के बाद शीरे से निकाल लूँगी और फिर सर्व करते हैं। यहाँ देखिए मैंने अपनी जलेबी को एक बॉल के अंदर निकाल लिया है शीरे से बिल्कुल डिप करके, और देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितनी जलेबी तैयार हुई है। और घर में आपने फ़ौरन थोड़े से क्या थोड़ा सा बैटर लगाया है, कम से कम तकरीबन 20 से 25 रुपए में आपने इतनी सारी जलेबी तैयार कर ली है। आप भी इस घर में ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मिलते हैं।